वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्यू टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के 25 इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं और अपने स्कोर को काउंट करते चलिएगा, और आप चाहे तो लास्ट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने 25 सवालों में कितने सवालों का सही जवाब दे पाए। तो पहले सवाल के साथ हम लोग क्यूज को शुरू करते हैं। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर टू, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? सवाल में कोई डाउट नहीं है, आंसर सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। क्वेश्चन नंबर तीन, झूम किसका एक प्रकार है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि का। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन एक ऐसा देश है जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर फाइव, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चार मीनार कहां पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर एट, रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निम्न आर्द्रता के कारण। क्वेश्चन नंबर नाइन, अनुवांशिकी की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेंगरी मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर टेन, गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वरक उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 12, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15, औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 16, शेर शाह का मकबरा कहां है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। क्वेश्चन नंबर 17, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 18, बीजक किसकी कृति है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटकर भारत आए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू स्वराज्य के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 21, निशांत बाग किसके नजदीक स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिणेश्वर का मंदिर कहां पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 23, गोवा पर किसका शासन स्थापित था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों का। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था, अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 25, सोमनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और एक सवाल आपसे, क्वेश्चन फॉर यू, वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहां पर स्थित है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा की फॉर यू और इसका राइट आंसर। यदि आपको लगे कि ये सही है तो ए, बी लगे तो बी, सी लगे तो सी या डी। यदि आपको आंसर नहीं पता है तो हम आपको नेक्स्ट 25 वाले जो सीरीज चलते हैं उनके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको इसका आंसर ज़रूर बता देंगे। और आपको एक बात फिर से रिकमेंड करना चाहेंगे कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज डिजिटल फॉर्म में हम अपनी तैयारी करें, तो हम आपके लिए आज से शुरू किए हैं एक एपिसोड। जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, उसके बारे में आपको मान लो कि 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम वे 8-10 क्वेश्चन एक वीडियो के माध्यम से लेकर के आप तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपसे आगामी परीक्षा में यदि फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वहाँ आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक वैसे ही
यदि सिंधु सभ्यता हुआ आपका, जैसे कि आज हमने 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्नों को लेकर के एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपलोड किए हैं, और उसे देख करके आपको 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वे अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके दिमाग में एक रफली स्केच जरूर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह में आखिर हुआ क्या क्या था। और यदि आगे इन फ्यूचर में आपसे उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप तो पढ़ कर गए हुए हैं। तो ऐसे ही हम चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एक वीडियो क्विज लेकर के आएंगे, जो दिन में किसी भी समय अपलोड होगा। आप किसी भी समय समय निकाल करके अपना देख ले, उससे क्या होगा कि आपका बहुत बहुत अच्छा, मतलब चैप्टर वाइज पढ़ रहा है तो आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपका प्रिपेयर बहुत अच्छा हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका वापस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।